आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे में आपके साथ हिमानी कंधारी जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में कल सुबह से एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा था जिसमें तीन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है लेकिन इन सब के बीच आर्मी का एक जाबाज डॉग फेंटम टेररिस्ट की गोली का शिकार होते हुए शहीद हो गया जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में इंडियन आर्मी का एक और वीर लॉयल कैनन सोल्जर के बलिदान पर चर्चाएं होने लगी हैं फैंटम की स्टोरी एक वीरता और वफादारी का मिसाल है जम्मू बेस्ड वाइट नाइट कॉप्स ने अपने एक्स हैंडल पर फैंटम को ट्रिब्यूट देते हुए कहा है हम अपने असली हीरो एक वीर इंडियन आर्मी डॉग फैंटम के सुप्रीम सेक्रीफाइस को सैल्यूट करते हैं ये भी कहा गया है कि जैसे ही हमारे जवान ट्रैप टेररिस्ट पर क्लोज इन हो रहे थे फैंटम ने एनिमी की फायर अपने ऊपर ले ली और जानलेवा इंजरी सस्टेन की आर्मी ने यह भी बताया कि आर्मी के डॉग स्पेशली ट्रेन किए गए होते हैं और उन्हें गैजेट्स के साथ इक्विप किया जाता है जो उन्हें क्लोज डिस्टेंस से एनिमी लोकेशन पर नज़र रखने में मदद करते हैं फैंटम का ये सेक्रीफाइस हमें याद दिलाता है एक और कैनन हीरो कैंट का जो पिछले साल सितंबर में रजौरी सेक्टर में एक एनकाउंटर के दौरान अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था उसका भी सुप्रीम सेक्रीफाइस आर्मी के हाईएस्ट ट्रेडिशन को अपहोल्ड करते हुए किया गया था इससे पहले 2022 में एक और आर्मी डॉग एक्सल ने भी वीरता का प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी शहादत दी थी एक्सल दिसंबर 2021 में 26 आर्मी डॉग यूनिट का हिस्सा बना और उन्हें स्पेशली बैक माउंटेड कैमरा और एनिमी न्यूट्रलाइजेशन टेक्टिस में ट्रेन किया गया एक ऑपरेशन के दौरान एग्जेल ने एक टेररिस्ट को लोकेट किया था और गोलियों के दौरान अपने हैंडलर और जवानों की जान बचाई थी एग्जेल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह रिवील किया कि डिस्पाइट सेवरल इंजरीज और गन शॉट बाउंड एग्जिल ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और टेररिस्ट पर लैच हो गया जो रूम इंटरवेंशन जैसी हाई रिस्क ऑपरेशन में आर्मी के लिए मददगार बना एक इमोशनल ट्रिब्यूट वीडियो भी एग्जेल के नाम वायरल हुआ था जो 55,000 टाइम्स देखा गया था जिसमें एक मेजर रिटायर सुरेंद्र पुनिया ने एक्जिल की ब्रेवरी को सैल्यूट किया व्रेथलिंग सेरेमनी जैसे कि एक्जिल के लिए टेन सेक्टर राष्ट्रीय राइफल में ऑर्गेनाइज थी इन कैनन वॉरियर्स के लिए एक रिस्पेक्ट का प्रदर्शन है जो आर्मी और सिविलियन के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते फेंटन के लिए भी एक स्पेशल ट्रिब्यूट और सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आर्मी डॉग जैसे फेंटम एक्सेल और केंट को एक खास और रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाती है जो मिलिट्री कम्बार सिचुएशन के लिए डिज़ाइन की गई होती है इस ट्रेनिंग को अक्सर कमांडो स्टाइल ट्रेनिंग भी कहा जाता है हर डॉग सबसे पहले बेसिक ऑबिडेंस ट्रेनिंग से शुरू करता है ताकि वो अपने हैंडलर के कमांड को फॉलो कर सके और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो बहुत से आर्मी डॉग्स को डिटेक्शन और ट्रैकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है अटैक डॉग्स को कम्बाट और अटैक की भी ट्रेनिंग दी जाती है इन डॉग्स को रूम और बिल्डिंग क्लियरेंस बैक माउंटेड कैमरा ऑपरेशन और मेडिकल और फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी दी जाती है ये कैनन सोल्जर्स सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कैंपेनियन ही नहीं बल्कि बैटल पर उनके साथ एक लॉयल और फेयरलेस वॉरियर की तरह खड़े हैं फैंटम एक्सल और केंट जैसे ब्रेवहाट आर्मी की वीरता और लॉयल्टी को दर्शाते हैं इंडियन आर्मी अपने कैनन सोल्जर के सम्मान में एक डिग्निफाइड फेयरवेल सेरेमनी करती है व्रेत लेंग सेरेमनी में सीनियर ऑफिसर्स और हैंडलर डॉग को सल्यूट करते हैं उनकी ब्रेवरी के प्रति अपना शुक्रिया अर्पित करते हैं इसके बाद एक खास जगह पर डॉग को मिट्टी दी जाती है और सोशल मीडिया पर इमोशनल ट्रिब्यूट्स पोस्ट किए जाते हैं जिससे इन लॉयल वॉरियर को एक फाइनल सल्यूट दिया जाता है तो ये थी एक स्पेशल रिपोर्ट और फैंटम की वीरता भरी कहानी इस तरह की और रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज टुडे वीडियो जर्नलिस्ट काका के साथ महिमानी कंधारी